हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग दो हेडिंग का अध्ययन करेंगे और वो हेडिंग है रॉकेट प्रोपल्शन एंड लीनियर मोमेंटम। तो इस दोनों हेडिंग पर प्रॉब्लम को भी हल करेंगे थ्योरी के बाद। तो आइए देखते हैं। तो रॉकेट प्रोपल्शन में बच्चों ये थ्योरी है कि यहां मैं रॉकेट बनाया हूं और रॉकेट की जो थ्योरी होती है उसे ध्यान से समझें। तो रॉकेट के अंदर जो है वो गैस बनता है, तो रॉकेट जो है गर्म गैस को नीचे की ओर पुश करता है। तो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये सब कंपटीशन में आया हुआ शब्द है, ध्यान दें। रॉकेट में जो गर्म गैस बनती है वो रॉकेट जो है गैस को नीचे की ओर पुश करती है और ये गैस जो है रॉकेट को ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगा के ऊपर की ओर ले जाता है। तो जो डीएम अपान डीटी, तो गैस की जो अमाउंट है जो छह होता रहता है वो नीचे की ओर जितना है उसे कहते हैं डीएम अपान डीटी। और ये वी रिलेटिव है, गैस का जो रियल वेग है वो दिखाया गया है। और जो ऊपर की ओर नेट फोर्स कार्य करता है रॉकेट को, ये गैस नीचे की ओर निकलता है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कार्य करता है वी रियल डीएम अपान डीटी। रियल डीएम अपान डी टी हो जाएगा नेट फोर्स। इसकी यूनिट रखेंगे तो फोर्स ही आएगा, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड, तो कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के ही इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट केस क्या है इसका। इफ रॉकेट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड देन नेट अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट इज इक्वल टू क्या, एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है फोर्स का वर्णन करता है। तो नेट फोर्स ये फोर्स से ऊपर जा रहा है तो इसका वेट जो कार्य करे, वेट होगा रॉकेट का वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा वी रियल डीएम अपॉन डीटी, या वी ही लिखा रहता है, डीएम अपॉन डीटी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। यहां लिखा है वेयर वी रिलेटिव इज द रियल वेलोसिटी, या वी रियल या वी रिलेटिव इज द रियल वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो इजेक्टेड मास है जो जितनी मास का आपका एयर है यहां से निकल रहा है गैस, वो यहां पे है डीएम अपॉन डीटी। तो ध्यान दें बच्चों, अगर रॉकेट जो है इतने ऊपर जा रहा, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो जाहिर है उसका वेट होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन जो कार्य करेगा वी डीएम अपॉन डीटी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए के बराबर होगा। तो एक प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट पर आ सकता है और एक दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है इस कॉन्सेप्ट पर, ज्यादातर इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है सेकेंड वाले केस पर। इफ रॉकेट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन, अगर ये रॉकेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल कर लिए हैं तो इसको उस तरफ ले आएंगे, तो वी डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू एम ए। तो रॉकेट के बारे में बच्चों यही हमें बताना था, ये नोट आप बना लीजिए और ध्यान दें इसके बारे में, कंसेप्ट बनावे कि ये जो है जो रॉकेट के अंदर गर्म गैस होती है, रॉकेट गैस को नीचे की ओर पुश करती है और गैस जो है नीचे की ओर पुश करती है उसके बदले में रॉकेट को ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या करता है, उठाता है। तो ऊपर की ओर कार्य करने वाला नेट फोर्स जो है वी डीएम अपॉन डीटी ही कार्य करता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, रॉकेट वाले कंसेप्ट पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। A 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed of gas is 1000 meter per second. Then calculate the mass of gas ejected per second to supply the thrust
needed to overcome the weight of rocket. तो विद्यार्थी जो दिया गया है वी रिलेटिव 1000 मीटर पर सेकेंड यहां दिया है और रॉकेट का मास दिया है 600 केजी और हमसे पूछ रहा है गैस इजेक्टेड पर सेकेंड. तो डीएम अपॉन डीटी जो है एक सेकेंड में गैस कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है वो हमको बताना है यहाँ पे. और यहाँ पे एक्सीलरेटेड वाला कोई केस नहीं दिया है, एक्सीलरेटेड वाला कोई केस नहीं है जिसमें वो लिखा जाए. तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे वी डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू एम जी. हम लोग ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे. तो डीएम अपॉन डीटी हमको चाहिए, ये हो जाएगा एम जी अपॉन वी रियल. ये एम जी, एम है आपका 600, जी में कैलकुलेशन की सुविधा के लिए लिख रहा हूं 10, वी रिलेटिव आपका है ये 1 2 3 1 2 3. ये बच्चों आया 6 केजी पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में 6 केजी गैस जो है रॉकेट पीछे की ओर निकाल कर रहा है. इतने स्पीड से गैस जो है हमेशा बाहर आ रहा है रॉकेट से. तो हाँ बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए. तो हाँ विद्यार्थी अब हम लोग अगला हेडिंग अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. तो इसके बारे में देखते हैं. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, मतलब कोई सिस्टम है मान लेते हैं यन उसमें पार्टिकल है तो उसका क्या है उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए. देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो उसका लीनियर मोमेंटम रिमेन्स क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है, इसको दिमाग में रखें. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सिस्टम मतलब जैसे गोली और बंदूक, गोली और बंदूक ये हमारे लिए क्या है, सिस्टम है. गोली इधर बंदूक इधर, तो गोली और बंदूक एक साथ है तो ये सिस्टम है. हाँ इस टाइप से. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है. इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, डेफिनेशन में देखा है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो टाइम तो जीरो होता नहीं, तो डीपी इज इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा तो मोमेंटम कितना होगा, जाहिर है मोमेंटम पी वन बराबर पी टू अगर है तभी तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो आता है यहां पे. तो P इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट. अगर सिस्टम में n पार्टिकल हैं तो वेक्टर P1 इसी को इस रूप में एक्सपेंड किया जा सकता है, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस सो ऑन वेक्टर Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर सिस्टम में n पार्टिकल है तो ये फार्मूला लगेगा और इसी का चेंज पूछा जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट है तो जब उनका चेंज निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा. तो इस तो ये कांसेप्ट बच्चों हमारा समाप्त हुआ. एक गोली और बंदूक का जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू पी एफ. इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये है इसका मतलब, इनिशियल मोमेंटम. चलो गोली और बंदूक के बारे में देख लेते हैं, बहरहाल जैसा भी हो ऐसे है गोली और बंदूक. तो गोली और बंदूक का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जब तो गोली और बंदूक एक साथ हैं और इनिशियल टाइम में वो रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. अब दब चुका है तो गोली आगे की ओर जा रहा है तो गोली का मास स्मॉल एम और गोली की स्पीड स्मॉल यू.
तो गोली इधर जा रही है, इसको क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर वाले डायरेक्शन को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। गोली इधर जा रही है तो पॉजिटिव, और अब बंदूक जो है पीछे की ओर झटका मारेगा, रिएक्शन फोर्स, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा यम वी, वी गन यहां कर देते हैं और यू बुलेट बी कर देते हैं, तो हर चीज यहां पी लिख दीजिए ताकि अंतर हो जाए। गन, यस, तो ये आपका आया गोली और बंदूक का जो प्रॉब्लम आगे हल होगा, इसमें हम लोग हल करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम हमेशा जीरो होगा, फाइनल मोमेंटम ये आएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इसका मतलब इधर की ओर इसको इधर ले आए, एम जी इंटू वी जी इज इक्वल टू एम वी इंटू यू वी। तो इसका एम वी, एम जी, जी मतलब घन, घन का पीछे की ओर मोमेंटम, घन का पीछे की ओर मोमेंटम इज इक्वल टू गोली का आगे की ओर मोमेंटम। तो ये संयोग की बात है कि गोली और बंदूक वाले केस में इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? जीरो होता है, हमेशा इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होता। तो ये कंसेप्ट आपको ख्याल करना है, गोली और बंदूक वाले प्रॉब्लम में, बुलेट और गन वाले प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट आपको ख्याल करना है कि गन का पीछे की ओर मोमेंटम इज इक्वल टू गोली का आगे की ओर मोमेंटम। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान देना है हमेशा इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होता है। तो बच्चों आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम यहां लिखा हूं ताकि मैं इसको हटा सकूं और बाद में फिर दूसरा हल कर सकूं, जो कि कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन नहीं, थ्योरी है। देखिए पहला प्रॉब्लम ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज फोर्सेज मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू कीप द, मतलब कौन सा केस है इन चारों में जिसमें फोर्स की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें, पार्टिकल गोइंग इन ए सर्किल, कोई पार्टिकल जो है सर्किल में गति कर रहा है तो फोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो ये बच्चों गलत बात है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करता है इन सर्किल में, ये भी गलत है। दूसरा कह रहा है पार्टिकल गोइंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो वहां भी फोर्स के बगैर संभव नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होता है तब, कब, जब एफ एक्सटर्नल, जब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा? पी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, अभी हम लोग जस्ट कांस्टेंट पढ़े हैं। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। डी कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ये भी संभव, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो फोर्स नहीं लग रहा है, ये भी कांसेप्ट क्या है? गलत है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सीलरेशन जीरो होता तब ये ऑप्शन हो सकता था, तब होता। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने पर, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट अगर है तब भी उस पर फोर्स कार्य करेगा, फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब फोर्स की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, तो हम इसे हटा दे रहे हैं बच्चों, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम जगह हमें आवश्यकता है तो हम जगह बना रहे हैं। तो बच्चों कभी कभी जानकारी सही होते हुए भी इंसान गलत भूल जाता है, एक चीज हमें बताना था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्सिया को एक्सप्लेन करता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स के बारे में बताता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है मोमेंटम के बारे में बताता है। तो इतना जानकारी होना चाहिए, यह सत्य है। हाँ, आज का दूसरा सवाल जो कि कैलकुलेशन वाला है, तो अब देखिए पढ़ते हैं, एक सब कंपटीशन में आया सवाल है। ए सेल एट रेस्ट एट द ओरिजिन एक्सप्लोड्स, माने विस्फोट होता है,
into three fragments of the mass 1 kg, 2 kg and m kg. मतलब कोई है सेल जो विस्फोट होता है तीन टुकड़ों में, वो ये 1 kg का है, 2 kg का और m kg का है या नोन है. The 1 kg and 2 kg piece fly up with speed of 5 m/s along the x axis and 6 m/s along the y axis respectively. ये कह रहा है बच्चों, ये x axis है, ये y axis है. तो चलो ux, ये ux बराबर दिया कितना, ux बराबर दिया है 5 m/s, 5 m/s दिया है, और uy बराबर दिया है 6 m/s हमको दिया गया है. और mx, अगर मैं मास यहां लिखना चाहूं तो ये 1 kg दिया है हमको x एक्सिस डायरेक्शन में, और y एक्सिस डायरेक्शन में अगर मैं मास में लिखना चाहूं तो ये दिया है 2 kg. ये हमारी जानकारी में है इतना, यस 1 kg, 2 kg. हाँ देखें रिस्पेक्टिवली, इफ एम के जी पीस फ्लाई ऑफ विद स्पीड ऑफ, जो तीसरा है वो यू आर हम लिख दे रहे हैं रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये है 6.5 m/s से भाग रहा है तीसरा पीस. द टोटल मास ऑफ द सेल मस्ट बी, वो कह रहा है सेल का टोटल मास कितना था. तो सेल का टोटल मास तो आप बाद में ज्ञात करिएगा, एम आर ज्ञात करिए, मतलब रिजल्टेंट वाले टुकड़े का पहले हम लोग मास ज्ञात करेंगे. जब रिजल्टेंट वाले टुकड़े का मास ज्ञात हो जाएगा तो ये दोनों मास क्या कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल मास ज्ञात हो जाएगा. बच्चों इस टाइप का बहुत सा लंबा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कई दिया है ऑप्शन में, कई है सब आए हुए हैं, तो इस पर दो सवाल हल करेंगे, एक ये एक और अभी हल करेंगे, थोड़ा सा अलग है. यहाँ ये एक्स एक्सिस कह रहा है, ये वाई एक्सिस कह रहा है, तो यहाँ जेड एक्सिस हम लोग नहीं कहेंगे, ये रिजल्टेंट एक्सिस कहेंगे, ये संयोग की बात है, वो एक्स वाई जेड वाला केस नहीं है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ. अब इस सवाल को कैसे हल किया जाए, तो इस सवाल को हल करने का दो तरीका है. तो एक तरीका तो ये है आपका कि आप इसे यूं दर्शा दीजिए, इस एक्स एक्सिस को पीछे की ओर दर्शा दीजिए, ये मान के चलिए कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, तो थीटा कोण पर है, जिसका कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए, यू आर यहां हो जाएगा यू आर कॉस थीटा, इसके साथ ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू आर साइन थीटा, ऐसे कंपोनेंट आप डिवाइड कर लीजिए. अब जो है यू आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा, और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा, यही करना है बच्चों. तो हाँ विद्यार्थी, हम देख रहे हैं कि ये वाला इसको बैलेंस कर लेगा, ये वाला इसको बैलेंस कर लेगा, इधर का मोमेंटम हो जाएगा ये हो जाएगा एम एक्स यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एक्स यू एक्स, मतलब इधर का मोमेंटम इधर के मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा. तो मोमेंटम के लिए मास क्या प्रयोग होगा, एम आर प्रयोग होगा, सॉरी या इसका जो मास है, इस वाले का मास क्या है, एम आर यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डायरेक्शन में एम एक्स यू एक्स हो जाएगा. हाँ आप वैल्यू रख सकते हैं, एम आर कितना है आपका, एम आर तो ज्ञात करना है, एम आर और यू आर आपका है 6.5 कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एक्स 1 × ux 5. चलिए इसे 1 कर दीजिए. अब की बार वाई एक्सिस को मोमेंटम को बैलेंस कर देते हैं, कि ये एम हाँ एम आर यू आर अब की बार साइन थीटा इज इक्वल टू
एम वाई यू वाई, ये हो जाएगा। मतलब वाई एक्सिस डायरेक्शन नीचे की ओर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, तो चाहे वेग के रूप में चाहे इसे बैलेंस करना, मोमेंटम को बैलेंस करिए। तो एम आर, तो एम आर तो ज्ञात करना है, एम आर यू आर है 6.5, ये है साइन थीटा इक्वल टू एम वाई, ये 2 kg है, यू वाई है 6। अब तो गणित के तौर तरीके से इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। समीकरण 1, 2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये हो जाएगा एम आर इन गुणे 6.5 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर का हो जाएगा एम आर गुणे 6.5 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर 25 प्लस इधर के स्क्वायर 12 × 144। तो ये तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो एम आर गुणे 6.5 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर सब दोनों में है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो थोड़ा सा हम जगह जो है करते हैं, अब हमें पता चल गया है। हाँ यहां देखिए, तो इसका मान तो 1 होता है, ये एम आर इंटू 6.5 का होल स्क्वायर। अरे ये तो जवानी भी हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इक्वल टू इसका वर्ग करके ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ये बराबर है 169 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा एम आर गुणे 6.5 इक्वल टू 13/169 होता है बच्चों, तो एम आर इक्वल टू हो जाएगा एम आर इक्वल टू 13/6.5, हमें लगता है 6.5 × 2 = 6 × 12 = 13, ठीक है। तो 2 kg आया, 2 kg आया, टोटल मास इक्वल टू टोटल मास इक्वल टू, एक 1 kg है प्लस 2 kg है और रिजल्टेंट भी कितना आया, 2 kg आया, तो कितना आया 5 kg। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है आपका बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी करिए। इसका सवाल लगाने का एक तरीका और है, इसी से मिलता जुलता सवाल एक दूसरा लगाएंगे, आपकी बात तरीका दूसरा अपनाएंगे, इसका एक तरीका बता दे रहे हैं, प्रयोग करेंगे अभी बाद में। इसका ये कि एक्स इस डायरेक्शन में आप मोमेंटम ज्ञात करिए और इस डायरेक्शन में मोमेंटम ज्ञात कर लीजिए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए पाइथागोरस से, इसके मोमेंटम के स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर अंडर रूट में लिख लीजिए, और एम आर और इस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम जो है इस मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मोमेंटम क्या होगा, एम आर और ये, तो इनका परिमाण निकाल के इसके बराबर कर देंगे तभी हमारा एम आर आ जाएगा, तो ऐसे केस में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा। तो आप इसे कॉपी करिए, तो हाँ विद्यार्थी तीसरा सवाल देखते हैं, ये क्या कहता है, तीसरा सवाल भी वही है जो अभी हटाए हैं। ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 pieces, 2 of which mass m/4, 2 का मास जो है वो कितना है m/4 है, ये इस टाइप से 2 पीस है, ये m/4 मास इधर भी है, m/4 मास इधर भी गया, हाँ m/4 ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 3 m/s, तो ये है 3 m/s और ये है 4 m/s रिस्पेक्टिवली क्रमशः, द थर्ड पीस विल बी थ्रोन ऑफ
विद वेलोसिटी ऑफ, जो थर्ड पीस है बच्चों वो किस वेलोसिटी से गया, वी आर नाम दे रहे हैं। वी आर जो है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। वी आर हमको ज्ञात करना है, बस यही हमारे पास है। तो जैसे अभी हम प्रॉब्लम हल किए हैं, यहां भी थीटा एंगल मानकर हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, यहां से ये चीज हम लोग हल कर पाएंगे। तो ये दूसरे तरीके से मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट से करके देख लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम को पी वन मान ले रहे हैं, तो पी वन इज इक्वल टू एम ऑन वी वन, तो ये एम वी होता है, तो एम बाई फोर और वी कितना है थ्री, तो आ गया थ्री एम बाई फोर, ये पी वन आ गया। इसे पी टू नाम दे दे रहे हैं, पी टू इज इक्वल टू फिर इसका मास है एम बाई फोर गुणे फोर, आ रहा है कैपिटल एम। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट पी आर ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू ये पाइथागोरस से पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी वन स्क्वायर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा नाइन अपॉन सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर, तो सोलह नौ पच्चीस अपॉन सिक्सटीन आएगा 25 एम स्क्वायर अपॉन 16, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 कैपिटल एम। तो रिजल्टेंट मोमेंटम पी आर, रिजल्टेंट मोमेंटम ये आया। तो ये वाला मोमेंटम ज्ञात किए, पी वन नाम दिए, ये वाला वन, ये टू और ये आर नाम दिए, रिजल्टेंट तो है ही है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम इस मोमेंटम के क्या होगा, इस मोमेंटम के इक्वल होगा। तो पी आर इज इक्वल टू इसका द्रव्यमान, ये एम बाई फोर हो चुका है, ये एम बाई फोर हो चुका है, टोटल मास कितना हमारा है कैपिटल एम, कितना बचा एम बाई फोर प्लस एम बाई फोर एम बाई टू एम बाई फोर मतलब एम बाई टू, आधा हो चुका आधा बचा है। और ये किस वेलोसिटी से भाग रहा है ये हमको जानकारी में नहीं है, रिजल्टेंट मोमेंटम हमारा यही आया। और हम जो निकाले रिजल्टेंट मोमेंटम हमारा ये है, इक्वल कर देते हैं टी एम बाई फोर कैपिटल एम इक्वल टू एम बाई टू गुणे वी आर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर इक्वल टू आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। तो आप इसे कॉपी करिए, यही प्रॉब्लम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, यही कोई यही जो है कोई लड़का कहे नहीं मैं इस टाइप से हल करूंगा, तभी कोई बात नहीं, वी आर है तो ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी आर साइन थीटा, तो ये मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसका जो मास आया वो कितना आ रहा है एम बाई टू, एम बाई टू हो जाएगा इधर का मोमेंटम एम बाई टू वी आर कॉस थीटा, इसका आधा इधर दोनों में हो गया आधा इधर हो गया, तो वी यहां हो जाएगा एम बाई टू वी आर कॉस थीटा, यहां भी हो जाएगा एम बाई टू वी आर साइन थीटा, एम बाई टू वी आर कॉस थीटा एम वी के बराबर होगा, ये एम बाई फोर इंटू थ्री के बराबर होगा, यस इसे वन कर दे, और दूसरा होगा एम बाई टू एम बाई टू इंटू वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बाई फोर गुणे फोर, बस समीकरण एक दो का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, फिर आपको वही आंसर मिल जाएगा, वी आर आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो तभी तो इस टाइप का प्रॉब्लम हल करने का बच्चों हम दो तरीका लगाए, चाहे आप कोई एंगल मान लीजिए या एक्सिस डायरेक्शन से, अब उसके आधार पे साइन क्लास में कन्वर्ट करके ये वाला इसके बैलेंस कर लीजिएगा या एक्सिस वाला इससे बैलेंस कर लीजिएगा, बराबर करके स्क्वायर का भी जोड़ दीजिए तभी आ जाएगा, चाहे परपेंडिकुलर वाले केस में इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के इसके रिजल्टेंट से इक्वल करिएगा तभी आपको आएगा। तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का अगला सवाल चौथा देखा जाए।
बुलेट वाला प्रॉब्लम है. ए बुलेट ऑफ मास 10 केजी इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 केजी. तो बुलेट का मास दिया है एमबी, बुलेट का मास 10 ग्राम दिया है. तो 10 अपॉन इतना आएगा, तो 1/100 मतलब 1/10^-2 केजी है बुलेट का मास किलोग्राम. ये 10 ग्राम में दिया है, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा. ये दिया है फायर्ड विद गन ऑफ मास, गन का मास दिया है एमजी, ये दिया है 1 केजी. चलिए इफ द रिकॉल वेलोसिटी इज, रिकॉल मतलब ये वाला गन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन वीजी इक्वल टू कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड. तो गन रिकॉल वेलोसिटी मतलब कितनी वेग से पीछे की ओर गन हटा, ये रिकॉल कहा जाता है. रिकॉल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. द वेलोसिटी ऑफ द मजल इज, ये गोली की वेलोसिटी कह रहा है बुलेट. तो वी बी इक्वल टू क्वेश्चन. रिकॉल वेलोसिटी बच्चों हमेशा वही जिस बंदूक जो है झटका मारता है पीछे की ओर वो होता है. तो गोली बंदूक के प्रॉब्लम के लिए बच्चों पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम. तो पी इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सिस्टम मतलब गोली बंदूक जो है आपका एक सिस्टम हो गया. तो गोली और बंदूक इनिशियल टाइम में रेस्ट पे थे, तो उस सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल वाला जीरो हो गया. और बाद में क्या होगा, गोली आगे की ओर मोमेंटम गई, एम जी सॉरी बुलेट एम बी, एम बी वी बी माइनस गोली आगे की ओर गई बुलेट, बुलेट का मोमेंटम माइनस गन, गन का मोमेंटम. ये हो जाएगा एमजी और वीजी. तो बस बच्चों क्लियर हो गया. इसी में वैल्यू आपको रखना है. एक तरफ ये ले आएंगे तो गोली का चाहिए आपको, ठीक है इसको इस तरफ ले आओ. तो एमजी इंटू वीजी इक्वल टू एमबी इंटू वीबी. वी माने बुलेट का, बुलेट का वेलोसिटी चाहिए तो वैल्यू रख देते हैं. चलिए यहां वैल्यू रखते हैं, एमजी, एमजी है 1 केजी, वीजी, वीजी है 5 इक्वल टू एमबी, बुलेट का मास है 10^-2 और वीबी की हो जाएगा वीबी इक्वल टू 5/10^-2. तो 5/10^2 इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड. तो जो गोली का मास है बच्चों वो 500 मीटर पर सेकेंड है. तो ध्यान दे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखें. मोमेंटम ऑफ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए है. गोली बंदूक वाले केस में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. तो आप इसे कॉपी करिए. तो हाँ विद्यार्थी आज का अंतिम सवाल है, आप इसे ध्यान दें. तो ये कंपटीशन में सब आए सवाल है. ये दीवारी रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 केजी ऑफ गैस पर सेकेंड एट ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, तो रॉकेट दीवारी वाला रॉकेट है, इस टाइप से रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है. एक्सेलरेटिंग फोर्स कह रहा है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि फोर्स हमेशा परिवर्तन चेंज होगा. यहां पे एक्सेलरेटिंग फोर्स की बात कर रहा है, ये तो फोर्स जो है परिवर्तित होगा, चेंज होगा. और एक्सेलरेशन यहां नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स किसके बराबर है, फोर्स इक्वल टू वी इंटू डीएम अपॉन डीटी. यही है आपका प्रॉब्लम, बस इतने में आपको रख देना. यही फोर्स के कारण तो रॉकेट ऊपर जाता है, यही फोर्स ऊपर ले जा रहा है. तो फोर्स पूछ रहा है जो ऊपर की ओर रॉकेट ले जाता है वो बताइए, बस इतना कह रहा है. हाँ बच्चों एक सवाल और मैं नहीं लगवा रहा हूं क्योंकि एक्सीलरेशन वाला भी है सवाल.
तो इतना माइनस एम जी इक्वल टू एम ए वाला कॉन्सेप्ट जो पहला है उसपे भी दिख रहा हूं कॉम्पिटिशन आया है, लेकिन केवल उसमें वैल्यू को रखना है आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। हाँ ये प्रॉब्लम हल करते हैं। तो वी रिलेटिव जो वेलोसिटी दिया है कहां गया, 400 मीटर पर सेकेंड दिया है। हाँ और 0.05 केजी आप गैस पर सेकेंड, जो रॉकेट से नीचे की ओर जो गैस है इतना गैस पर सेकेंड में क्या कर रहा है, निकल रहा है, तो वो दिया है 0.05 यस मीटर पर सेकेंड और वो भी केजी में है। तो ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो इसका 0.98 हो जाएगा, आएगा 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फिर मैं कह रहा हूं बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे इस पे भी सवाल आया है, v dm अपॉन dt माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इस पे भी सवाल आया है। तो जब वो ऑप्शन में कह दे क्वेश्चन में कहेगा कि इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन देगा, तो आप ये वाला थ्योरी अपनाइएगा। और केवल फोर्स की अगर बात करेगा तो फोर्स के लिए इतना ही बराबर आप करें, रॉकेट के फोर्स की बात करेगा इस टाइप से प्रॉब्लम में, तो केवल इससे आपका काम बनेगा। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।